हेलो दोस्तों, YouTube चैनल अपना किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तहरी। तहरी बनाने के लिए हमको ये सामग्री चाहिए: आधा किलो चावल, पाव भर मटर, इसी में मैंने गाजर भी काट रखी है। सीजन के हिसाब से आप सब्जी भी ले सकते हैं। आलू लिया है, मसालों के लिए प्याज है, लहसुन है, नमक, मेथी, हींग, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। साफ कर लेते हैं, सब्जियों को साफ कर लेते हैं। लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुकर चढ़ा दिया है, गरम हो रहा है। उसमें हम तेल डालते हैं। तेल को गरम होने देते हैं, अपने मसाले को मिक्स कर लेते हैं। चलिए मसाला मिक्स करते हैं। आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, जितना आपको कड़ू खाना पसंद हो, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून जब तक हम कुकर में अपना प्याज फ्राई करते हैं, तब तक ये मसाले को फूलने के लिए धर देते हैं पानी डाल के। सारे मसालों को जो है एक कटोरी में मिक्स कर लेते हैं पानी डाल के। पानी थोड़ा कम ही रखिएगा। देखिए इस तरह से होना चाहिए, न ज्यादा गाढ़ा न ज्यादा पतला। तेल गरम हो गया है, 1/2 टेबल स्पून मेथी डाल लेते हैं हम। मेथी हो चुकी है, इसी में लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट डालते हैं। देखिए हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें फूले हुए मसालों को डालना है। हम हमेशा फूलों के ही मसाले डालते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ में 1 चुटकी हींग डाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको पक जाने देते हैं ताकि ये तेल छोड़ दे। देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ चुका है, अब इसमें हमको टमाटर मिलाना है। अब थोड़ी देर के लिए इसको टमाटर को पक जाने देते हैं। टमाटर पक चुके हैं, अब इसमें सब्जियां मिक्स कर दीजिए। सब्जी ऐड कर दी है, अब हमको इसमें चावल मिक्स करना है। चावल ऐड कर दिया है, थोड़ी देर इसको चलाइए। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर इसमें पानी डालिए। इसमें थोड़ा नमक डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार, जितना आपको पसंद हो। चलिए फ्राई करते हैं। देखिए हमारी तहरी फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हमको पानी मिलाना है। आपको जितनी गीली पसंद हो आप उतना पानी डाल सकते हैं। पानी डाल दिया है, अब ढक्कन लगा के 3 सीटी हो जाने दीजिए। देखिए हमारी खिली खिली तहरी रेडी हो चुकी है।
पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन की बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो को आप तक पहुंचा सके। चलिए सर्व करते हैं। हमारी तहरी रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही, खाने में भी उतनी टेस्टी है। एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।